ये गाइस सैमसंग के गैलेक्सी M55 5G को ग्लोबल मार्केट में लॉन्च कर दिया है। अब भारतीय बाजार में लॉन्च होने की बारी है। दोस्तों कंपनी ने खुद ही कंफर्म किया है कि वह गैलेक्सी M55 5G को इंडिया में लॉन्च करने वाली है। शॉपिंग साइट Amazon पर भी इस फोन को प्रोडक्ट पेज लाइव कर दिया गया है, जहां मोबाइल की फोटो फीचर सामने आ चुके हैं। तो दोस्तों आपको पता ही है कि सैमसंग का हमेशा से कुछ न कुछ डिफरेंट करता है। इस बार भी इस फोन में सैमसंग का कुछ अलग फीचर आपको प्रोवाइड करने वाला है, जिसमें आपको 12GB तक की रैम दी जाएगी। साथ ही इसका प्रोसेसर भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है। तो दोस्तों आखिर इस स्मार्टफोन को इंडिया में कब तक लॉन्च किया जा रहा है और इंडिया प्राइस क्या होने वाली है, सब कुछ हम इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, और ऐसे ही अपकमिंग स्मार्टफोन रिलेटेड और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों हम बिना देर किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम इस फोन के कैमरा से स्टार्ट करेंगे। तो गाइस कैमरा में इस बार सैमसंग ने काफ़ी कुछ इम्प्रूव किया है, जहां पर आपको पीछे की तरफ ट्रिपल रियर कैमरा का सेटअप मिलेगा, जिसमें OIS के साथ 50MP का प्राइमरी कैमरा दिया गया है और 8MP का अल्ट्रा है, 2MP का माइक्रो कैमरा भी देखने को मिल जाएगा। इसके बैक कैमरा से आप 4K 30fps में वीडियो को शूट कर सकते हो। वहीं सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इस फोन में 50MP का फ्रंट कैमरा दिया गया है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, इस फोन का कैमरा क्वालिटी काफ़ी लाजवाब होने वाला है। इसके बैक कैमरा से भी आप 4K 30fps में वीडियो को शूट कर सकते हो। इस स्मार्टफोन का लुक और डिज़ाइन भी काफ़ी बेहतरीन है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। और ये फोन का बैक बॉडी प्लास्टिक का ही रहेगा, और ये फोन का 7.8mm का थिकनेस एंड 180g का वेट है, और ये मोबाइल फ़ोन आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉयड 14 पर मिलेगा। और हाँ गाइज, स्मार्टफोन में 8GB 12GB LPDDR4X का रैम प्लस 256GB तक UFS 2.2 स्टोरेज दिया गया है, जो कि आपके लिए एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके अलावा ये स्मार्टफोन में आपको 6.7 इंच की फुल HD AMOLED डिस्प्ले दिया गया है, जहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट रहेगा और 1000 nits की ब्राइटनेस। ये डिस्प्ले पंच होल कटआउट के साथ आएगी। गाइज इस फोन की डिस्प्ले क्वालिटी भी काफ़ी ज़बरदस्त की रहने वाली है, जहां पर आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। अब हम बात करें इस फोन की प्रोसेसर की, तो गाइज प्रोसेसर के लिए इस फोन में 4nm फैब्रिकेशन पर बना क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 का चिपसेट दिया गया है, जो कि काफ़ी पावरफुल है, और ये प्रोसेसर 2.4GHz तक की हाई क्लॉक स्पीड के साथ रन करता है। भाई इस फोन का प्रोसेसर काफ़ी ज़बरदस्त करेगा, जिसमें आप हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो। वहीं पर इन सभी को ऑन रखने के लिए फ़ोन में 5000mAh की बैटरी दी गई है, और इस बैटरी को चार्ज करने के लिए 20W का फास्ट चार्जर का भी सपोर्ट मिल जाएगा। अन्य फीचर की बात करें तो इस डिवाइस में आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट फेस अनलॉक दोनों दिया गया है, चार्जिंग के लिए USB टाइप सी पोर्ट दिए गए हैं, IP67 की रेटिंग है, जिसे ये फ़ोन धूल और पानी से भी बचेगा, डुअल सिम, वाईफाई, ब्लूटूथ, डुअल स्पीकर जैसे कई अन्य फीचर देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करें इस फोन की प्राइस की, तो 8GB रैम और 256GB इंटरनल स्टोरेज की एक्सपेक्टेड प्राइस बताई जा रही है 22,999 रुपया। वहीं बात करें यह स्मार्टफोन की लॉन्च डेट के बारे में, तो यह स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड लॉन्च डेट है 8 अप्रैल 2024। उम्मीद है तब तक ये इंडिया में लॉन्च हो जाएगा।